तो आज हम आ चुके हैं इंदौर की सराफा बाजार में राजहंस दाल बाफले में। यहाँ के दाल बाफले इतने ज़्यादा फेमस है कि लोगों के खाने के लिए यहाँ पे लाइन लगती है। इनके दाल बाफले इतने फेमस है कि यहाँ पे डेली से 400-500 बॉक्स पार्सल किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी मेकिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे भैया ने देखिए ये आटा सानना चालू कर दिया है, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है यहाँ पे दाल बाफले। ये देखिए उन्होंने आटा सानना चालू किया है। इनकी बनाने की टेक्निक एकदम राजस्थानी स्टाइल जैसी बनाई जाती है, प्रॉपर राजस्थान में जैसे दाल बाफले बनाए जाते हैं वैसे ही बनाई जाती है। यहाँ पे सुबह 10 बजे चालू हो जाता है यहाँ पे दाल बाफले बनना और रात के 9-10 बजे तक यहाँ पे लाइन लगी रहती है लोहे खाने की। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये दाल बाफले इंदौर का। ये देखिए उन्होंने आटे छाने हैं, ये आटा हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब देखिए ये पत्ते के ऊपर ये गोले गोले बना के ऐसे रखेंगे, उन्होंने इसलिए रखा था कि चिपक ना जाए। ये देखिए इसके बड़े बड़े ऐसे लोहे बनाए जाते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे बना बना के कढ़ाई में रखे जा रहे हैं। कितनी बल्क क्वांटिटी में बना है आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा अभी उबलना चालू हो गया है, ऑलमोस्ट ये पकने आ चुका है, मतलब अभी सिर्फ बॉयल हो रहा है, वाटर में बॉयल होता है नमक के पानी में। ये अभी हम इसको निकाल लेंगे टोप में। ये भैया ने यहाँ पे टोप में निकाल लिया इसको। अब ये यहाँ से जाएगा, ये इसके अंदर पूरा अच्छे से भट्टी के अंदर पकेगा। राजस्थान में इसको हम ऐसे प्रॉपर देसी स्टाइल में पकाए जाते हैं, यहाँ पे तो गैस द्वारा पकाया जा रहा है इसे मशीन के द्वारा। ये देखिए बंद कर दिया गया है। अब ये देखिए पूरा पक चुका है अच्छे से एकदम, अब देख सकते हैं इसको। यहाँ पे भैया इसे अलग अलग करके अभी एक गोनी में भरेंगे। ये देखिए गोनी में भर रहे, यहाँ से पका के ये नीचे लेके जाया जाता है। यहाँ पे ये इसको बनाने की जगह है और बाकी पूरा सर्विंग करने की प्लेटिंग करने की जगह इनकी नीचे है। ये देखिए लेके आ गए, अब इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे। बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है इसकी बनाने की और उतना बढ़िया टेस्ट भी आता है, काफ़ी मेहनत लगती है दाल बाफले बनाने की। पूरे इंदौर में सबसे फेमस दाल बाफले इन्हीं का है। ये देखिए पूरा एकदम घी से लथपथ हो चुका है, ये इन्होंने निकाल लिया है। ये इनकी देखिए कढ़ी है, ये भैया की दाल भैया ने बनाए हैं। ये थोड़े से राइस है। ये पूरी एक प्लेट दी जाती है जिसके अंदर सब कुछ होता है। ये आलू की सब्जी है। ये देखिए ये प्लेटिंग कर रहे हैं पार्सल की, नॉन स्टॉप इनके ऑर्डर चलते रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, पैकिंग चालू है यहाँ पे। और इनकी पैकिंग करने की टेक्निक बहुत ही अच्छा है, आप कहीं पे भी मंगा लो, कोई भी ऐसा सामान ऐसा बाहर नहीं आएगा वो प्लेट में से। 2-3 घंटे आप खा सकते हो, एकदम गर्म गर्म रहता है जो आप जहाँ भी पार्सल करते हैं भैया। ये देखिए ये सिल्वर फॉइल पेपर थैली के अंदर अपना सारे पार्सल भरे जाते हैं। ये इनके लड्डू होते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लड्डू होते हैं। ये आप अगर जब भी इंदौर जाएगा तो ज़रूर खाइएगा, ये लड्डू बहुत ही फेमस है यहाँ सराफा बाज़ार में। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पार्सल के बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स भैया रेडी कर रहे हैं। इसके अंदर छाछ सलाद सब कुछ यहाँ पे भर के दिया जाता है एकदम। दाल बाफले भी देख रहे हो कितने पूरे भर दिए हैं, यहाँ पे बॉक्स बंद भी नहीं होता, इतने अच्छे से पैक करते हैं ये। अब यहाँ पे हम थोड़ा प्लेटिंग, इसकी प्लेटिंग देख सकते हो आप कैसी होती है, इतना कुछ मिलता है आपको यहाँ पे खाने के लिए। तो अभी हम इसे ट्राई करेंगे। इन्होंने घी डाल दिया इसके ऊपर, यह पापड़ भी छाछ भी मिलता है यहाँ पे, लड्डू भी आ गए। अब इसे हम ट्राई करेंगे,
पहली बार खा रहा हूँ मैं दाल बाफले, तो ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है ये। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया मुझे। अगर आपको दाल बाफले खाने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हो ट्राई करने के लिए। भैया एड्रेस बताएंगे आपको। सराफा मार्केट में हम लोग सिंस 1975 से यहाँ पर दाल बाफले चलाते हैं।